हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन बायोलॉजी कॉर्नर। आई होप इस डिफ़िकल्ट टाइम में सब लोग अपना बेस्ट कर रहे होंगे। ऑल्दो ये टाइम सभी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट चल रहा है, बट स्पेशली वो स्टूडेंट जिनके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े ज़्यादा परेशान हैं। सभी लोगों के मन में थोड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े डाउट्स हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज़ उन्हें मिल रही है। हर 2 से 3 दिन में गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अलग अलग न्यूज़ अनाउंस हो रही है, जिसकी वजह से वो अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने एग्ज़ाम्स पे किस तरह फोकस करके और किस स्पीड से उन्हें स्टडी करनी चाहिए, है ना। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर एक कोई श्योर होना चाहता है एग्ज़ाम्स के बारे में, उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में, कि भाई क्या सीन है में या फिर ऑनलाइन या फिर एग्ज़ाम्स कैंसिल होने वाले हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में अभी चल रहे हैं, तो इन सारी बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज़ बतानी है कि मैं अपने चैनल पर एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑल्दो हम पहले भी रिवीजन कर चुके हैं हमारे कुछ बायोलॉजी चैप्टर्स का, लेकिन वो हमने चैप्टर वाइज रिवाइज किया था, और अभी जो हम रिवीजन करेंगे वो डे बाई डे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उठाएंगे हर एक चैप्टर से। जैसे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, वहाँ से हम कुछ टर्म्स उठाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी हैं, जैसे कि जीन्स हुआ, एलील्स हुआ, या फिर डोमिनेंस, रेसेसिव, ये सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उठा के उन्हें डिस्कस करेंगे। उन्हें नोट्स से हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस तरह से डिस्कस करेंगे कि फॉरएवर वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ सके, इस तरह से उन्हें हम समझेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन्हें अगर हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें वो हेल्प मिल सके। अब अगर बात एग्ज़ाम्स की करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। कोई कह रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स शुड बी कैंसिल, कोई बोल रहा है इट मे बी ऑनलाइन, और कोई बोल रहा है कि ये डिले हो गए हैं। तो सबसे पहली बात अगर करें कि एग्ज़ाम्स क्या कैंसिल हो सकते हैं, तो ये सभी को पता है कि इंडिया में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं, ऐसे बहुत कम चांसेस हैं। तो ये सोच के जिन लोगों ने भी अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू की है कि एग्ज़ाम्स अब शायद नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम्स डिले हो गए हैं तो हम अपने रूटीन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जिस स्पीड से हम अभी पढ़ाई कर रहे थे उस स्पीड से ना करके थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके हम चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, ताकि हम बहुत ज़्यादा इरिटेट भी ना हों और चीज़ों को भूलें भी ना। दूसरी बात की क्या एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं, तो आप लोग भी 2 से 3 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अभी तक दे चुके हो। स्कूल लेवल पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं वो इतने प्रॉपर ढंग से मेंटेन नहीं हो पाते हैं, इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये कि हर कोई अलग अलग तरह की फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस लेवल पर उनके पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। किसी के पास अच्छी इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती है, या फिर किसी के पास वो डिवाइस ही नहीं होती है प्रॉपर जिनसे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे पाए। और फिर ये तो बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात है, तो गवर्नमेंट इसमें रिस्क नहीं ले सकती हो, तो इसके भी चांसेस बहुत कम हैं। तो जो फाइनल है वो ये है कि आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही होंगे और बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे हमेशा होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा चेंजेस ये हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम्स को थोड़ा ईजी कर दिया जाए, जैसे क्वेश्चंस आते थे क्वेश्चंस को थोड़ा इजी फॉर्म में दे दें वो लोग, ताकि गवर्नमेंट को भी पता है कि ऑनलाइन जो स्टडी अभी चल रही है उसमें बच्चे इतनी रेगुलरिटी से नहीं पढ़ पाते हैं, इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो 100% हम बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, ऐसा भी न्यूज़ में आया था कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो बिल्कुल आपके घर के ही आसपास कहीं होंगे, है ना, वहीं आपके एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा सभी लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स जो है वो मई तक डिले कर दिए हैं, है ना। इस बीच में वैक्सीन से हो सकता है कि कंडीशन थोड़ी सुधर जाए, क्योंकि अभी वैक्सीन भी आ गई है, तो हो सकता है कि मई तक सारी कंडीशन सुधर जाए और फिर आप लोग के बेहतर ढंग से जैसे हमेशा होते हैं वैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हो। तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों ने भी ये आसपास की न्यूज़ सुन के अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू किया है, वो फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। हाँ, थोड़ा रूटीन में चेंज कर सकते हैं, जो भी थोड़ा इरिटेशन हो रहा है अपने फ्रेंड्स से बातें करके, अपनी फैमिली से बातें करके, उन चीज़ों को थोड़ा दूर करें और अपनी पढ़ाई को जिस तरह से वो चल रही थी अभी तक वैसे ही कंटिन्यू करें। इसके अलावा रिविजन सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें आप लोग कमेंट्स करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
जितने भी बायोलॉजी चैप्टर्स हैं 10th में, उन सभी से हम हर एक इम्पॉर्टेंट टर्म उठाएंगे जो भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिनसे भी क्वेश्चन बने हैं, है ना, किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ध्यान से। थैंक यू।